हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। हमारा लास्ट का लेक्चर जो था, उस लेक्चर लोग में हम लोगों ने अपना जो चैप्टर था, ये चैप्टर का नाम क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको कंप्लीट कर लिया था। आज इस टॉपिक में, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स में देखो, अब तक जो न्यूमेरिकल्स थे मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से रिलेटेड थे, फ्राइडेज के लॉज पर थे या इमोशनल ईएमएफ पर थे, सब हम पढ़ चुके थे। अब जो टॉपिक बचते हैं जिन पर न्यूमेरिकल्स करने हैं और जो सीबीएसई में एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जिन टॉपिक्स पर, वो ये न्यूमेरिकल्स हैं। इनमें ये फॉर्मूलाज यूज होंगे। देखो, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा फाई बराबर एल आई। फाई हमारे पास फ्लक्स है, एल हमारे पास कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है और आई हमारे पास करंट है। ऐसे ही फाई बराबर एम आई है, एम हमारे पास क्या, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा था, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, माइनस का एल डी आई बाई डी टी। ईएमएफ का फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा, माइनस का एम डी आई बाई डी टी। ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस था सोलेनोइड का, याद होगा आपको, सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या आया था, सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस आया था एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाय एल। ऐसे ये म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला था हमने, दो कोएक्सियल कॉइल ली थी, एक कॉइल दूसरी कॉइल के एक्सिस पर लाई करती है ना, तो फर्स्ट वाली कॉइल सेकंड वाली कॉइल पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस शो करती है, सेकंड वाली कॉइल फर्स्ट वाली पे करती है, उसको कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोला था। इसकी वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट एन वन एन टू ए डिवाइड बाय एल। ये हम पढ़ चुके थे बेटा, ठीक है। तो देखो, आज बेसिकली हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स नंबर वन अगर हम बात करें, सिंपल सा न्यूमेरिकल देखो, कह रहा है व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, ध्यान सुनना क्वेश्चन को, इन विच द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 40 मिली वेबर इज प्रोड्यूस। देखो ये कह रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस पूछ रहा है, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 40 मिली वेबर, वेबर जो है वो फ्लक्स यूनिट होती है, मिली का मतलब 10^-3, तो 40 × 10^-3 वेबर, ये इसने फ्लक्स दिया हुआ है, ठीक है। फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ 2 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट, जब इसमें से कितना करंट फ्लो करे, 2 एम्पियर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फाई बराबर एल आई के ऊपर है। फाई हमारे पास क्या है, फ्लक्स किसके बराबर होता है, एल इंटू में आई। पूछा क्या इसने बेटा, कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइव बाई आई। फाइव कितना है बेटा, 40 × 10^-3 अपॉन करंट कितना है, 2 एम्पियर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 20 × 10^-3, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, फ्लक्स की वैल्यू आ गई एल, है ना, फाइव बाई आई, क्लियर है, 20 × 10^-3 एम्पियर। सिंपल सिंपल है। ऐसे कुछ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कह रहा है इन्हीं के ऊपर, देखो बेटा ये जो क्वेश्चंस आते हैं इन आर्टिकल्स पर, सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, शॉर्टकट फॉर्मूलाज पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। एक या दो स्टेप आपसे पूछ लेगा, वो ज्यादातर मैक्सिमम यही होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा आपसे। कह रहा है इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 4 एम्पीयर पर सेकंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब डी आई वाई डी टी दिया उसने, वो कितना दिया हुआ है, 4 एम्पियर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है इसने। प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ, ये रेट ऑफ करंट जो करंट दे रखा है और ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रही है उससे, वो इसने दे रखी है बेटा 20 मिली वोल्ट, और 20 मिली का मतलब 20 × 10^-3 वोल्ट, ठीक है, ये ईएमएफ दे रखी है। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, अब इसमें फिर क्या पूछ रहा है, एल की वैल्यू पूछ रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, तो E का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का L डी आई बाई डी टी। तो L निकालना है, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का E डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी। E की वैल्यू कितनी है बेटा, 20 × 10^-3 अपॉन 4, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है, 4 × 5 = 20। L की वैल्यू कितनी आएगी, 5 × 10^-3, 5 × 10^-3, और एल की जो यूनिट होती है क्या होती है, हेनरी, तो लीडिंग एच, क्लियर है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ गए, ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते इसके अंदर, ठीक है। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक इंडक्टर है, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 5 हेनरी। एक हमारे पास इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस कितना है, एल की वैल्यू दे रखी है इसने 5 हेनरी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा सुनना। कैरीज अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर, इसमें करंट है कितना बेटा? स्टेडी करंट है, स्टेडी करंट मतलब जिस करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, 2 एम्पियर। ठीक है, कैसा करंट है ये? स्टेडी करंट, स्टेडी का मतलब जिस करंट की वैल्यू चेंज ना हो, 2 एम्पियर रहे हमेशा। ठीक है, हाउ कैन ए 50 वोल्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस टू अपियर इन द इंडिकेटर। ठीक है, कह रहा है कि आपको कितना कितना ईएमएफ प्रोड्यूस करना है, आपको ईएमएफ प्रोड्यूस करना है, ईएमएफ की ओर देखिए, -50 वोल्ट, -50 वोल्ट। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी अपियर्ड इन द इंडक्टर। अब देखो क्वेश्चन ये है, एक इंडक्टर है, ठीक है, इसका इंडक्टेंस कितना है? 5 हेनरी। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? कॉन्स्टेंट करंट जा रहा है, 2 एम्पियर। ये कह रहा है कि इसको 50 वोल्ट इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस कराना है। अब आपको ये तो पता है कि ईएमएफ प्रोड्यूस कब होता है? जब इसमें से करंट या तो इंक्रीज हो या करंट डिक्रीज हो। अब करंट इंक्रीज तो कर नहीं सकते क्योंकि इसने करंट की कितनी वैल्यू दी? 2 एम्पियर, और कैसे दे दिया? स्टेडी, मतलब ना इसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते। पर हाँ, स्विच को जैसे हमने इसमें जो करंट पास किया, जो बैटरी से जो 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इस स्विच को ऑफ तो कर सकते हैं। जैसे ही स्विच को आप ऑफ करोगे, इसमें से करंट जो है 2 एम्पियर से कितना होगा? 0 एम्पियर। 2 एम्पियर से करंट कितना होगा? 0 एम्पियर होगा। 2 एम्पियर से करंट 0 एम्पियर होगा, तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और ईएमएफ प्रोड्यूस की वैल्यू कितनी वोल्ट है? 50 वोल्ट। तो ये कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे तो हमारा जो करंट में चेंज है, मतलब ईएमएफ का फॉर्मूला देखो क्या होता है, माइनस का एल इंटू DI/DT। पूछा गया इसने, इसने पूछा है कि कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ईएमएफ कितनी वोल्ट है देखो, पुट करो 50 वोल्ट। माइनस सेल्फ इंडक्टेंस कितना है? 5। चेंज इन करंट कितना है बेटा? पहले 2 एम्पियर है और फाइनल करंट कितना करते हैं? 0। तो चेंज इन करंट आएगा 2 माइनस 0, और चेंज इन टाइम को बोलते हैं T-0, मतलब कितने टाइम में चेंज करे। सोल्व करो उसको, देखो 50 माइनस का 5, 2 10 अपॉन में T। सोल्व करो T को, चले जाओ माइनस का 10 अपॉन कितना आ गया? 50 है ना, 0 पॉइंट कितना आ गया बेटा? 2.5 सेकेंड। देखो क्या मतलब इसका, 0.25 सेकेंड। ये कहता है कि अगर आप करंट को 0.25 सेकेंड में 2 एम्पियर से 0 एम्पियर कर दो, तो उसमें कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा? 50 वोल्ट। कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा? 50 वोल्ट। ठीक है, यही क्वेश्चन इसने पूछा था, जो कि बहुत सिंपल था। आगे आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। सो ये थर्ड था, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ क्या बोलता है? अ सोलेनोइड कॉइल हैज 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर अलोंग इट्स लेंथ। बोल रहा है कि एक सोलेनोइड है जिसके पास नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए, इसने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो दिया हुआ इसने 50। मतलब इसने दिया क्या हुआ बेटा? 50 टर्न्स है पर सेंटीमीटर पर। 50 टर्न किस किस के सेंटीमीटर पर है? मतलब 1 सेंटीमीटर पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? 50 सेंटीमीटर, 50 नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है इसने, जो आपके पास जो सोलेनोइड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है इसने 4 × 10⁻⁴ m² क्लियर है? देखो यहां पर इसने नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ टर्न्स इसको सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में भी निकाल सकते हैं। अगर 50 टर्न्स 1 सेंटीमीटर में है, देखो ध्यान सुनो, नंबर ऑफ टर्न्स 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स हैं? 50 टर्न्स, तो 100 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स हो जाएंगे, या 1 मीटर में कितने टर्न हो जाएंगे बेटा? 50 × 100, टोटल टर्न कितने रहेंगे? 5000। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी आ गई? 5000। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ए सोलिनोइड ऑफ हैविंग 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर अलोंग इट्स लेंथ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 4 × 10⁻², 200 टर्न्स अनदर वायर आर वाउंडेड ऑन द फर्स्ट सोलिनोइड। इसके ऊपर एक दूसरी वायर वाउंड की है, जिसपे इसपे नंबर ऑफ टर्न्स एन वाले दिए, उसपे नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए इसने कितने बेटा? N2 की वैल्यू दी है 200 टर्न्स।
उसमें टोटल टर्न आपको दी हुई कितनी, 200 टर्न्स, ठीक है। ओके, राउंडेड टू अराउंडेड ऑन द फर्स्ट कॉइल, एक कॉइल है, दूसरी कॉइल पर 200 टर्न अराउंड किया था। टू कॉइल्स आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल। देखो बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला था एम, ये है हमारा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला था म्यू नॉट एन वन एन टू ए अपॉन एल, म्यू नॉट एन वन एन टू ए अपॉन एल। अब देखो एन वन तो पता है मुझे, नंबर ऑफ ट्रांसपेरेंट लेंथ, ये स्मॉल एन वन दिया हुआ। एन टू मुझे नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई है, अब कितनी नंबर ऑफ टर्न्स, एन टू अपॉन एन वन। देखो एन टू मेरे पास क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, और ये एन वन क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो देखो मेरे को क्या चाहिए, मुझे फॉर्मूला चाहिए, इस फॉर्मूले का फॉर्मूला म्यू नॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या रहेगा मेरे पास, म्यू नॉट इनटू में, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाली कॉइल की बात करें, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं हमारे पास, एन वन ये दिया हुआ है इसने, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन टू, इसको क्या लिखेगा, एन टू इंटू एल डिवाइड बाई एल इंटू ए, एल सी एल क्या हो गया आंसर। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा, म्यू नॉट की वैल्यू होती 4π × 10⁻¹, क्या होती है वैल्यू इसकी, वैल्यू 4π × 10⁻¹। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिया आपको 5000, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिया आपको 200, मल्टीप्लाई बाय एरिया दिया हुआ है कितना, 4 × 10⁻¹। सोल्व कर लो, क्या रहेगा आपके पास, टोटल म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनोइड, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना या नंबर ऑफ टर्न्स टोटल देना, ठीक है। इसके बाद अगला हम नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हमारे पास, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस नेक्स्ट चैप्टर का नाम है बेटा अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। आप लोग इस चैप्टर के ऊपर, इन आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन क्वेश्चन ट्राई करना घर पर, ठीक है, ना हो पूछ लेना। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है वो कौन सा वाला पढ़ने वाले हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है बेटा, इसी को चैप्टर को बोल देते हैं हम एसी, ठीक। तो अभी ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कुछ ग्राफ इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर के ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। देखो बेटा, जो करंट होता है ना, करंट वो दो टाइप के होते हैं। एक करंट को बोलते हैं हम कौन सा, एक करंट होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, CURRENT, जिसको हम सिंपली कई बार बोल देते हैं डीसी। और एक हमारे पास करंट होता है कैसा, अल्टरनेट करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट करंट क्या होता है, किस टाइप के करंट को आप डायरेक्ट करंट बोलते हो, देन आफ्टर अल्टरनेट करंट हमारा चैप्टर है ही, इसको हम फर्दर डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, यूनि डायरेक्शन हो, कैसा हो, यूनि डायरेक्शन हो, जिसके पास एक ही सिंगल क्या हो बेटा, डायरेक्शन हो, ऐसे करंट को हम कौन सा करंट बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, नहीं सॉरी डायरेक्ट करंट, ठीक है। जिस करंट, मान लो एग्जांपल की फॉर्म में हम बात करें, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर की इस एंड को बोल दिया आपने ए, और इस कंडक्टर की इस एंड को बोल दिया आपने बी। आपने इस कंडक्टर में करंट फ्लो कराया, क्या फ्लो कराया बेटा, करंट फ्लो कराया। तो करंट अगर मान लो ए से कहां की तरफ जा रहा है, बी की तरफ, और हमेशा ए से कहां की तरफ जाए, बी की तरफ जाए, या फिर बी से हमेशा कहां की तरफ जाए, ए की तरफ जाए, एक ही डायरेक्शन हो, इसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, ठीक है। तो ऐसे करंट को हम कौन सा करंट बोल देते हैं बेटा, डायरेक्ट करंट, दोज करंट, द करंट विच इज अ यूनि डायरेक्शन या विच इज हैविंग ओनली वन डायरेक्शन, सच टाइप ऑफ करंट इज नोन एज, तो ऐसा करंट जिसके पास एक सिंगल डायरेक्शन हो, उसी करंट को हम कौन सा करंट बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट करंट। अब देखो डायरेक्ट करंट कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं,
डायरेक्ट करंट को हम ऑब्टेन कर सकते हैं बैटरी से, ठीक है बेटा, या फिर किससे ऑब्टेन कर सकते हैं, सेल से। बैटरी और सेल का यूज कर हम लोग डायरेक्ट करंट ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखो हम बात करें ग्राफ की, कैसे हम ग्राफ बनाए, अगर हम डायरेक्ट करंट का ग्राफ बनाए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। डायरेक्ट करंट की बात करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट पर अगर आपको डिफरेंस पता होगा तभी आप डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिंग करंट को स्टडी कर पाओगे, ठीक है। तो देखो मान लो हमने एक ग्राफ बनाना है, और ग्राफ में यहाँ पर हम करंट ले लेते हैं आई, और यहाँ पर बेटा हम ले लेते हैं टाइम, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट अगर आई पॉजिटिव है, इसका मतलब है करंट जो है एक ही डायरेक्शन चल रहा है। मान लो ये कंडक्टर है, इसमें हमने करंट पास कर दिया, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये टर्मिनल बी है, करंट जा रहा है ए से बी, तो ए से बी वाले करंट को हमने पॉजिटिव बोल दिया। और अगर करंट जा रहा हो बी से ए, तो उसको बोल दे हम नेगेटिव, ठीक है। तो देखो ये करंट टाइम बढ़ रहा है, करंट की वैल्यू क्या है कॉन्स्टेंट, टाइम बढ़ रहा है, करंट की वैल्यू क्या है कॉन्स्टेंट, और करंट की वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ हर पॉइंट पर, इसका मतलब करंट ए से कहाँ की तरफ जा रहा है, पी की तरफ। अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आती ना, तो करंट कहाँ से जा रहा था, बी से कहाँ जा रहा था बेटा, ए की तरफ, राइट हैंड डायरेक्शन में जा रहा है, तो आई को हमने पॉजिटिव ले लिया, और करंट की वैल्यू क्या है कॉन्स्टेंट। तो दो चीज यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर करंट है उसकी डायरेक्शन है ए टू बी, मतलब कैसा डायरेक्शन है, यूनि डायरेक्शन, और दूसरा यहां पर करंट की जो वैल्यू है वो है कैसी, कांस्टेंट। करंट की वैल्यू कैसी बेटा, कांस्टेंट, ठीक है। और करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, ऐसा करंट जो डायरेक्ट भी हो और कांस्टेंट करंट है, उस करंट को बोलते हैं स्टेडी डायरेक्ट करंट, स्टेडी डायरेक्ट करंट। पर ऐसा भी हो सकता है, देखो बेटा करंट की डायरेक्शन तो कांस्टेंट हो पर उसके अमाउंट कम है, ज्यादा हो सकती है। जैसे मान लो करंट है, इसकी डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, जा तो रहा है कहाँ, ए से बी की तरफ, पॉजिटिव है, पर इसकी अमाउंट जो करंट की कभी बढ़ रही है और कभी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ऐसे करंट को कौन सा करंट बोलते हैं, वेरिएबल स्टेडी करंट। कौन सा करंट बोलते हैं बेटा, वेरिएबल स्टेडी करंट, क्लियर है। तो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि डायरेक्ट करंट कितने टाइप के होते हैं। डायरेक्ट करंट हमारे पास दो टाइप के हो गए, एक तो स्टेडी डायरेक्ट करंट हो गया और एक हो गया वेरिएबल डायरेक्ट करंट, क्लियर है। अब दूसरा हमारा जो कंसेप्ट है, जो हमारा मेन आर्टिकल है, जिस चैप्टर का नाम है एसी, उस करंट को हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। देखो अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम बोलते हैं एसी, इसकी सुन लो क्या होता है। एक ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन जो है वो हो कम हमेशा या कंटिन्यूसली क्या हो, चेंज। डायरेक्शन क्या हो, जिसकी चेंज हो इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पर इसकी डायरेक्शन, अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली क्या होती है, चेंज। ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। फॉर एग्जांपल मान लो ये कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, इस करंट कंडक्टर में करंट जा रहा है ए से कहां पर जा रहा है बेटा, बी की तरफ। एक बार करंट जाएगा ए से बी, फिर एक फिक्स टाइम के बाद करंट की वैल्यू कहां जाएगा, करंट जाएगा बी से ए की तरफ, फिर ए से बी जाएगा, फिर बी से ए। करंट की जो डायरेक्शन है कंटिन्यूसली लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, कंटिन्यूसली क्या होती है, चेंज होती है। ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। हमारे घरों में जो होम सर्किट में, घरों में डोमेस्टिक सर्किट में जो करंट होता है वो कौन सा करंट होता है बेटा, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा बेटा, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या होती है, कितने टाइप के अल्टरनेटिंग करंट होते हैं, क्या इक्वेशन है, क्या अलग अलग टर्म के सिग्निफिकेंस है, और क्या इसकी मीन वैल्यू या फिर बोल सकते हैं एवरेज वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट की, वो लोग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग।